डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में अभी हम लोग कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं, और इस कार्बनिक रसायन के चैप्टर का बात करें तो टोटल कार्बनिक रसायन में 8 चैप्टर है। टोटल 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें हम लोगों ने 6 चैप्टर को कम्प्लीटली कर लिया है। 6 चैप्टर बोले तो जैव अणु तक के। अब हम लोग चलिए आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं चैप्टर 7, और 7 नंबर चैप्टर का नाम है बहुलक। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है बहुलक। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसका नाम है पॉलीमर। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हालांकि कार्बनिक रसायन में टोटल 8 चैप्टर हैं। अब चलिए 7 नंबर चैप्टर का अगर बात करें तो नाम है इसका बहुलक। अब इस बहुलक नामक चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर 7 नंबर चैप्टर में बहुलक है तो ये बहुलक क्या है। तो अब टॉपिक्स ही बनाएंगे हम लोग बहुलक। ठीक है, टॉपिक्स बनाएंगे बहुलक, और इस टॉपिक्स के अंतर्गत नीचे फर्स्ट एरो देंगे। फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे अनेक छोटे छोटे सरल अणुओं के नियमित तरीके से परस्पर संयुक्त होने से जो वृहत अणु बनता है। वृहत वृहत माने बड़ा अणु। जो वृहत अणु बनता है उसे उसे बहुलक कहते हैं। उसे बहुलक कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। जैसे जैसे में लिखा जाए, जैसे रबर, प्लास्टिक, प्रोटीन, सेलुलोज आदि। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बहुलक क्या है, इस बहुलक को समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में, सरल भाषा में। दोस्त, छोटे छोटे आकार के सरल अणुओं को अगर सजा कर, सबको मिलाकर एक बड़ा अणु बनाया जाता है, तब इस बड़े अणु को ही हम लोग कहते हैं बहुलक। और जिस प्रक्रिया द्वारा बहुलक का निर्माण होता है उसको हम लोग कहते हैं बहुलीकरण। याद रखिएगा, बहुलक का मतलब क्या, बहुलक का मतलब छोटे छोटे अणुओं को सरल तरीके से, नियमित तरीके से संयुक्त किया जाए, जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, तो मिलाने से एक बड़े अणु यानी कि बृहत अणु का निर्माण होता है, जिसको हम लोग बहुलक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को, इस बनाने की क्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। जैसे कि रबर, प्लास्टिक, प्रोटीन, सेलुलोज, ये सब किस कैटेगरीज में आते हैं, बहुलक में आते हैं, क्योंकि अनेक छोटे छोटे अणुओं को मिलाकर रबर बनाया जाता है, छोटे छोटे अणुओं को मिलाकर प्लास्टिक का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। इट मीन्स इसको हम लोग कहेंगे बहुलक। चलिए नेक्स्ट अरु देंगे, लिखा जाए वैसे छोटे छोटे अणु जिनसे बहुलक का निर्माण होता है, जिनसे बहुलक का निर्माण होता है, उन्हें एकलक कहा जाता है। एकलक, एकलक के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा मोनोमर यानी कि एकलक कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुलक तो समझ गए,
छोटे छोटे अणुओं को मिलाकर एक बड़ा अणु बनता है जिसको हम लोग बहुलक कहते हैं। लेकिन मान लिया कि ये छोटे 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 अणु हैं और जब इसको संयुक्त रूप से अगर मिला दिया जाए तो एक बड़ा अणु बनता है। दोस्त जो छोटे छोटे अणु को मिलाकर एक बड़ा अणु बनता है तब इस बनने वाले बड़े अणु को हम लोग नाम दे देते हैं बहुलक। लेकिन आखिर ये छोटे छोटे जो अणु हैं, इस छोटे छोटे अणु कण जो भी बोल सकते हैं, इनको हम लोग बोल सकते हैं एकलक। ठीक है, यानी कि यहाँ तक के हमको बात पता चल गया कि एकलक को मिलकर, एकलक ही आपस में मिलकर क्या बनते हैं, बहुलक। ठीक है, चलिए, तो एकलक आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं, बहुलक बनते हैं। ये चीज़ें क्लियर हुई, तो बहुलक के बारे में हम लोग सीखे कि बहुलक क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एरो, नेक्स्ट एरो नहीं सॉरी टॉपिक देंगे, टॉपिक बहुलक के प्रकार, बहुलक के प्रकार ये टॉपिक बनाएंगे और ब्रैकेट में रख देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। यानी कि जी हाँ, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बहुलक के प्रकार को पढ़ रहे हैं। और इस बहुलक के प्रकार को पढ़ रहे हैं तो बहुलक के प्रकार कितने होते हैं वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन किस आधार पर, तो संरचना के आधार पर, कि संरचना के आधार पर बहुलक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, बहुलक के कुल मिलाकर तीन प्रकार हैं, किस आधार पे, संरचना के आधार पे। ठीक है, तो उसके नीचे एरो दिया जाए, लिखेंगे बहुलक, बहुलक संरचना के आधार पर, बहुलक संरचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। नंबर वन, नंबर वन रैखिक बहुलक। पहला का नाम क्या है, रैखिक बहुलक। इसको इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं लीनियर, LINEAR, लीनियर पॉलीमर। ठीक है, पहला का नाम क्या है, लीनियर पॉलीमर, यानी कि रैखिक बहुलक। और दूसरे का क्या नाम हो सकता है, दूसरा का नाम है शाखा युक्त बहुलक, शाखा युक्त बहुलक। और इसको इंग्लिश में बात किया जाए तो इसको लिखते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर, ब्रांच्ड, BRANCHED, ब्रांच्ड पॉलीमर। ठीक है, और तीसरा जो टाइप्स है, तीसरे टाइप्स का नाम है तिर्यक बाधित, तिर्यक, तिर्यक बाधित पॉलीमर, यानी कि बहुलक, तिर्यक बाधित बहुलक। ठीक है, तो तिर्यक बाधित बहुलक, यानी कि इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में क्रॉस लिंक्ड, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, तो कुल मिलाकर बहुलक के कितने प्रकार हुए, तीन प्रकार। एक का नाम है रैखिक बहुलक, शाखायुक्त बहुलक, तिर्यक बाधित बहुलक, इसको इंग्लिश में लीनियर पॉलीमर, पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो ये तीन प्रकार के होते हैं बहुलक। अब चलिए हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या है ये। तो सबसे पहले टॉपिक्स बनाए जाए रैखिक बहुलक, रैखिक बहुलक। अब ये रैखिक बहुलक यानी कि लीनियर पॉलीमर क्या है, इसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए वैसे बहुलक, वैसे बहुलक जिसमें लंबी तथा, लंबी तथा सीधी श्रृंखला होती है, सीधी श्रृंखला होती है, लंबी तथा सीधी श्रृंखला होती है, उसे, उसे रैखिक बहुलक कहते हैं, उसे रैखिक बहुलक कहते हैं। तो याद रखिएगा, रैखिक बहुलक कहते किसको हैं, वैसा बहुलक जिसमें लंबी व सीधी श्रृंखला होती है। इसका फिगर नीचे बना लीजिएगा, जैसे मान लिया ये हो गया, ये हम लोगों को हो गया रैखिक बहुलक, यानी कि देख रहे हैं ये लंबा हो गया और सीधी श्रृंखला वाला हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये फिगर हो गया हम लोगों को किसका,
रैखिक बहुलक। तो ये फिगर बना दीजिएगा और ये लिख दीजिएगा कि ये किसका फिगर है। तो ये है रैखिक बहुलक का फिगर। अब चलिए लिखते हैं दूसरा, सॉरी फर्स्ट सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, शाखा युक्त बहुलक। शाखा युक्त बहुलक, ठीक है। अब शाखा युक्त में लिखेंगे फर्स्ट एरो देकर, वैसा बहुलक जिसमें, वैसा बहुलक जिसमें साखित श्रृंखला होते हैं, साखित श्रृंखला होते हैं उसे, साखित श्रृंखला होते हैं उसे, साखित श्रृंखला होते हैं उसे शाखा युक्त बहुलक कहा जाता है, उसे शाखा युक्त बहुलक कहा जाता है। याद रखिएगा, शाखा युक्त किसको कहेंगे, तो जब उसमें शाखा निकला रहेगा। जैसे मान लिया कि यही है हम लोगों का रैखिक बहुलक, ठीक है। अब ये रैखिक बहुलक है, अब इसमें कुछ शाखा निकला हुआ है, ये शाखा हो गया, यहाँ से शाखा हो गया, ये सब शाखा निकला हुआ है, ये सब शाखा अगर निकला हुआ है तब हम इसको कहेंगे क्या, शाखा युक्त बहुलक, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का शाखा युक्त बहुलक, आप देख पा रहे होंगे ये हो गया हम लोगों का। तो इसके नीचे फिगर बनाकर लिख दीजिएगा, शाखा युक्त बहुलक, ठीक है। ये हो गया शाखा युक्त बहुलक। अब लिखा जाए, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे शाखा युक्त बहुलक, सॉरी शाखा युक्त हो गया तिर्यक बाधित बहुलक। तिर्यक बाधित बहुलक, इसको इंग्लिश में बात क्या बोल सकते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है। अब क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या है इसके बारे में चलिए हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो तिर्यक बाधित बहुलक क्या है चलिए इसके बारे में भी हम लोग सीखते हैं। तो चलिए इसके नीचे फर्स्ट आरो देंगे, लिखेंगे वैसे बहुलक जिसमें रैखिक बहुलक एक दूसरे से मजबूत बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, मजबूत बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, मजबूत बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें तिर्यक बाधित बहुलक, उन्हें तिर्यक बाधित बहुलक कहा जाता है। चलिए अगर बात कर लेते हैं कि तिर्यक बाधित बहुलक क्या है, तो इसका फिगर सबसे पहले आपको समझना चाहिए, तिर्यक बाधित बहुलक क्या है, वैसा बहुलक जो आपस में बिल्कुल मजबूत बंधन द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें हम लोग बोल सकते हैं क्या, तिर्यक बाधित बहुलक। चलिए अब हम लोग इसका फिगर देख लेते हैं। जैसे मान लिया कि रैखिक बहुलक तो ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है, ये हम लोगों का रैखिक बहुलक हो गया। अब इसमें हम लोगों को इसका फिगर देखना है कि इसका फिगर कैसे होगा। तो ये बिल्कुल इसके साथ मजबूत बंधन द्वारा जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी मजबूत बंधन, यहाँ पे अटैच नहीं है, इसलिए इसमें और इसमें फिगर में अंतर है। यहाँ देख लीजिए सिर्फ शाखा निकला हुआ है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे बिल्कुल बंधन द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये मजबूत बंधन द्वारा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे से अटैच है, बिल्कुल बंधन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, इसलिए हम इसको कहेंगे कि सबसे मजबूत बंधन द्वारा जुड़े होते हैं कौन, क्रॉस लिंक्ड है, यानी कि तिर्यक बाधित, ठीक है, तिर्यक बाधित बहुलक बिल्कुल मजबूत बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये हम लोगों का फिगर हो गया तिर्यक बाधित बहुलक का, ठीक है। तो ये हुआ हम लोगों का तिर्यक बाधित बहुलक। तो इस तरीके से
अच्छा एक दूसरा बात नोट में हम लोग करके लिख लेंगे, नोट में मजबूती के आधार पर, मजबूती के आधार पर क्रॉस लिंक्ड इज ग्रेटर देन ब्रांच्ड इज ग्रेटर देन लीनियर। अब ये चीज आपको समझना चाहिए कि नोट में जो बात हम लोग लिखे आखिर वो क्या है। यहाँ पे हम लोग लिखा कि मजबूती के आधार पर C4 क्रॉस लिंक्ड मतलब कि तिर्यक बाधित, ठीक है, और B4 ब्रांच्ड और L4 लीनियर, यानी कि क्रॉस लिंक्ड तिर्यक का बंधन सबसे मजबूत होता है, क्योंकि देख पा रहे होंगे आप यहां मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। फिर शाखा युक्त मजबूती के आधार पे है, और फिर सबसे कम मजबूत कौन है, रैखिक बहुलक यानी कि लीनियर पॉलीमर। यानी कि हम लोग यहाँ पे नोट में जो लिखे वो मजबूती के आधार पर देख रहे थे कि सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा बहुलक है। तो सबसे ज्यादा बहुलक है तिर्यक बहुलक, तिर्यक बाधित, फिर हो गया ब्रांच्ड, फिर हो गया लीनियर। अब चलिए अब हम लोग सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट, हम लोग अब लिखते हैं बहुलक के मुख्य प्रकार, कि बहुलक के आखिर कौन से प्रकार हैं जो मुख्य रूप से, यानी कि मेन कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब टॉपिक बनाएंगे बहुलक के मुख्य प्रकार, मुख्य प्रकार यानी कि इंपोर्टेंट कितने इसके टाइप्स हैं। तो इसके नीचे एरो देकर लिखेंगे बहुलक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, बहुलक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक, और दूसरा का नाम है संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बहुलक के संरचना के आधार पर तो तीन प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। एक का नाम है प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बोले तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, और दूसरा का नाम है सिंथेटिक, सिंथेटिक SyntheticPolymer, सिंथेटिक पॉलीमर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, याद रखिएगा बहुलक के। ऐसे अगर बात किया जाए तो तीन प्रकार के संरचना के आधार पे होते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि आखिर प्राकृतिक बहुलक क्या है यानी कि नेचुरल पॉलीमर, और संश्लेषित बहुलक क्या है यानी कि सिंथेटिक पॉलीमर। तो अब हम लोग टॉपिक्स बनाएंगे प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक। अब प्राकृतिक बहुलक में दोस्तों नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे कि आखिर प्राकृतिक बहुलक क्या होता है, इसमें हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।